हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवता वास करते हैं, इसलिए इसे पावन माना जाता है और समाज में इसकी पूजा की जाती है। तो सवाल यह है कि वो गाय कौन सी है जिसे पूजनीय माना जाता रहा है? क्या दुनिया की सारी गाय उतनी ही पवित्र हैं या फिर सिर्फ वही जो अखंड भारत में पैदा हुई हैं? इन दिनों गाय की रक्षा को लेकर बीफ से जुड़े दूसरे बड़े निर्यातक देश भारत में बहस छिड़ी हुई है। देसी गाय की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है जितनी विदेशी नस्ल की गाय की है और इसका कारण है दूध का बाजार। 2012 में हुई भारत की पशुधन जनगणना के मुताबिक 2007 की तुलना में देसी गायों की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन बढ़ोतरी विदेशी या वर्ण सकर गायों की संख्या में हो रही है। देश में 4.8 करोड़ देसी गाय हैं, जो 2007 में 4.1 करोड़ थी। विदेशी या वर्ण सकर गायों की संख्या 1.4 करोड़ से 2 करोड़ के आंकड़े को छूने लगी है। तो वो कौन से गुण हैं जो देसी गाय को पावन बनाते हैं जबकि वो विदेशी नस्लों की गायों के मुकाबले कम दूध देती हैं? विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा समिति के हुकुमचंद कहते हैं, हमारी देसी गाय जब बछड़े को जन्म देती है तब वो दूध देती है। विदेशी नस्ल की गाय के दूध देने के लिए बछड़ा होना जरूरी नहीं है। देसी गाय का दूध जल्दी पच जाता है जबकि भैंस और विदेशी नस्ल की गाय के दूध को पचने में ज्यादा वक्त लगता है। गौरक्षा समिति के अनुसार देसी गाय का सिर्फ दूध ही नहीं, उसका गोबर भी गुणकारी होता है जिससे बीमारियां दूर होती हैं। वहीं विदेशी नस्ल की गायों के गोबर से बीमारियां पैदा होती हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के एक शोध में देसी गाय के दूध की गुणवत्ता को भी विदेशी नस्ल की गायों से बेहतर बताया गया है। मगर भारत में अब देसी गायों के मुकाबले विदेशी नस्ल की गाय ज्यादा लाभकारी साबित हो रही है क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है, इसी वजह से इन्हें पालने का चलन बढ़ रहा है। दक्षिणी दिल्ली में दूध बेचने वाले फूल सिंह कहते हैं कि वो देसी गाय की बजाय विदेशी नस्ल की गाय को ही अपने व्यवसाय के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि देसी गाय कम दूध देती है। वो कहते हैं, अब तो क्रॉस ब्रीड वाली गाय ही ज्यादा पाली जा रही है, अब तो वीर रोपण का दौर है। विदेशी नस्ल या क्रॉस ब्रीड की गाय ज्यादा दूध देती है और उससे मुनाफा भी ज्यादा होता है। एक तो देसी गाय कम दूध देती है और दूसरे उसके रखरखाव में भी काफी जतन करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।